मधेपुरा भारत के मिथिलांचल का एक प्रमुख शहर है। सहरसा जिले के एक अनुमंडल के रूप में रहने के बाद 9 मई 1981 को इसे एक जिला का दर्जा मिला। मधेपुरा धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से एक समृद्ध शहर है, क्योंकि यहाँ मंदिरों का भरमार लगा हुआ है। दोस्तों, इस शहर में मुख्य रूप से मैथिली भाषा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, मधेपुरा कुल 1792 किलोमीटर स्क्वायर के बड़े से क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ की कुल जनसंख्या 19 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी यहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में 400 लोग अपना आशियाना बना के रहते हैं। दोस्तों, यहाँ के 52% से अधिक लोग पढ़े लिखे हैं, यानी 100 में से 52 लोग आपको यहाँ पे पढ़े लिखे मिलेंगे। दोस्तों, यह शहर मुख्य रूप से कृषि पर आश्रित है, यानी यहाँ के अधिकतर लोग अपने जीवन यापन के लिए खेती करते हैं। दोस्तों, कनेक्टिविटी के मामले में यह जिला थोड़ा सा वीक है, क्योंकि यहाँ पक्की सड़क मात्र 317 किलोमीटर का ही है। दोस्तों, चलिए जानते हैं यहाँ के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल के बारे में। नंबर 1, सिंहेश्वर स्थान या शिव मंदिर इस जिले का सबसे अधिक आकर्षक केंद्र है। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण एक व्यापारी के द्वारा किया गया था। नंबर 2, सार्वजनिक दुर्गा मंदिर। यह दुर्गा मंदिर धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को प्रकट करती है। बड़े बुजुर्गों का कहना है चंदेल राजपूत द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था और उसी वक्त इस मंदिर में पूजा प्रारंभ किया गया था। नंबर 3, श्रीनगर। श्रीनगर मधेपुरा से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव में 2 किले हैं। यह राज किला यहाँ के पर्यटकों को खूब लुभाती है। नंबर 4, रामनगर। यह गाँव विशेष रूप से यहाँ स्थित देवी काली मंदिर के लिए जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर पर हर साल मेला का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। नंबर 5, बसंतपुर। यहाँ भी एक किला है, लेकिन यह किला ध्वस्त हो चुका है, लेकिन यह भी एक पर्यटक का केंद्र है। यहाँ भी लोग नए साल के शुभ अवसर पर घूमने आते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कॉमेंट करके बताइए। साथ में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद।